हमारी लाइफ की कुछ ऐसी कुछ ना कुछ तो बातें होती ही हैं जो हम चाहते हैं कि काश अगर मैं टाइम ट्रैवल पीछे कर लूँ तो मैं उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा अपनी कुछ वो गलतियाँ जो मैं चाहता हूँ कि काश मैंने ना की होती। उम्मीद है मैंने गलतियाँ की, आप नहीं करोगे, आप इस वीडियो से कुछ सीखोगे। तो मैं आपका यार दोस्त क्या ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड, करिए फिर शुरुआत। चला एडवाइस जो मैं अपने यंगर सेल्फ को देना चाहूँगा और आप ये मत करना, वो ये है कि जब आप अपनी लाइफ में कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न कहने का मेरा क्या मतलब है कि आपको लगता है कि जो ये डिसीज़न है ये बहुत बड़ा डिसीज़न है, अगर ये डिसीज़न मतलब कि जिस हिसाब से आपने प्लान किया है उस हिसाब से प्लान के अकॉर्डिंग ना हुआ तो आपकी लाइफ बिल्कुल वक्त बदलती है, जज्बात बदलती है, जिंदगी बदलती है वैसे हो जाएगी, देन मेरे भाई ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। वो कहते हैं ना कि नदी में उतरने से पहले सीधा जंप मार के नदी में नहीं उतरना चाहिए, पहले एक पैर से उसकी गहराई टेस्ट करनी चाहिए, फिर दूसरा पैर रखना चाहिए। लेकिन ये गलती मैंने की थी। वो गलती कब की थी? जब मैंने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आना था, जब मैंने इंडिया वापस आने का डिसीजन लिया था, मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं था। दैट वाज एन इमोशनल डिसीजन और मैं इंडिया वापस आ गया और यहां पे आके जो प्लान करके आया उसके बिल्कुल ओपोजिट था। मतलब कि इतनी छोटी एज में मेरे सामने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, 20 साल की उम्र थी और मैं उस एज में बहुत कुछ फेस कर रहा था, जो सोचा था उसके बिल्कुल उल्टा होगा। और मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं था क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, मैं वापस जा नहीं सकता था। उस वक्त से मैंने डिसीजन लिया था कि ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसमें वक्त बदलती है, जज्बात बदलती है, जिंदगी बदलती, देन मेरे भाई ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करना, कहने का क्या मतलब है कि रियल लाइफ के चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करना। जनरली क्या होता है कि जब 10th तक होता है बच्चा या फिर +1 या +2 तक होता है तो ना जो सारा काम है ना वो पेरेंट्स ही उसका संभाल रहे होते हैं। जैसे कि 10th तक मेरा सारा काम ना पेरेंट्स संभाल रहे थे, सारे डिसीजन उनके थे। हालांकि +1 +2 में मैंने कुछ अपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए थे, जैसे कि खुद ही पता लगाना कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है, कहाँ पे मुझे पढ़ना है, ये जो है छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपके खुद के जो ये माइंड सेट, क्योंकि वो वाला जो एज होती है उस वक्त हमारा माइंड सेट, हमारा माइंड ग्रो कर रहा होता है जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। आप इस एज में 8 से लेके +2 एज में जितना रियल लाइफ में घुसोगे ना उतना आपका जो इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि जो इस एज में प्रॉब्लम्स आती है जब हमें एक रियल लाइफ में घुसना होता है जिससे आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, वो आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10th तक तो मैं बहुत ही मतलब कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता था, लेकिन एक एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पर मतलब कि देना चाहूँगा वो ये था कि मेरा एक पासपोर्ट नहीं आ रहा था। मेरे पासपोर्ट आने को 8 महीने लग गए थे, मेरा वीजा जल्दी आ गया था, पासपोर्ट लेट आया था। लेकिन एक एग्जांपल जो मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी, जब मेरा पासपोर्ट नहीं आ रहा था ना तो मैंने पापा को फोन किया, जो मुझे आदत पड़ी हुई थी कि ऐसे करके ये प्रॉब्लम आ रही है इसका सलूशन क्या है पता करके बताओ, है ना। लेकिन उसके बाद मेरे फादर साहब ने एक मुझे बहुत ही मतलब एक लाइफ लेसन दिया, वो ये दिया था कि ये ऑफिस है, यहाँ पे जाके खुद पता करके आ कि क्यों पासपोर्ट क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं खुद अकेला लाइन में लगा, खुद पता करके आया, क्योंकि उनके पीछे उनका ये वो मुझे सिखाना चाह रहे थे कि कल को जब तूने बाहर जाना है वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स तूने खुद ही फेस करनी है और उनका सोल्यूशन भी खुद ही निकालना है, प्रिपेयर योर माइंड राइट नाउ। तो ये एक चीज़ है जो मैं अपने यंगर सेल्फ को बोलूँगा कि जल्दी स्टार्ट कर दे, वो है रियल लाइफ जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम खुद अपने आप से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनका सलूशन खुद निकालो। अगर कोई तुम्हें कोई बुली कर रहा है या कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है ना, फेस दैट प्रॉब्लम और उसको जवाब दो, लड़ाई करके नहीं, लड़ाई उसका सलूशन नहीं है, एक स्मार्ट तरीके से, मच्योर तरीके से। क्योंकि जब आप उसको जवाब दोगे ना आप ऑटोमेटिकली लाइफ के लिए पूरा कॉन्फिडेंस ले आओगे।
अगली एडवाइस जो मैं अपने यंगर सेल्फ को देना चाहूँगा, जिसके बिना ये वीडियो पूरी हो ही नहीं सकती है, वो ये है कि अपने हेयर्स के साथ ज़्यादा पंगे मत लो। मतलब कि जो वो प्रोडक्ट्स वगैरह हम ज़्यादा लगा लेते हैं ना, वो मत लगाओ। लाइक मुझे लगता है कि मेरा प्रोडक्ट्स के कारण ही ये हाल हुआ था। मैंने बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया था, तब अपना जज्जी भी स्टाइल बहुत चलता होता था, मैंने बड़े स्पाइक्स वगैरह खड़े करता होता था मैं, वो मेरे पुराने दिन। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा ऐसा मत करो। लेकिन फिर मैंने हेयर वीविंग करवाई, देन मुझे हेयर ट्रांसप्लांट जब बजट अलाउ हुआ तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। देन उसके बाद आपको पता ही है, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, मैं मामाअर्थ की अनियन हेयर ऑयल यूज़ कर रहा था। लेकिन अब मामाअर्थ एक नई रेंज लेके आया है, वो है भृंग आमला रेंज। इसमें आपको हेयर ऑयल भी मिलेगा, इसमें आपको मास्क भी मिलेगा, इसमें आपको कंडीशनर भी मिलेगा और शैम्पू भी मिलेगा। लेकिन जो ये भृंग आमला रेंज है, इसमें अलग क्या है, लाइक भृंग आमला शब्द मीनिंग क्या है? जो भृंग आमला ऑयल है वो केशिर पाक विधि के साथ निकाला जाता है, जो कि 4000 BC से चलती आ रही है। लेकिन वो अब कोई भी ब्रांड क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको मतलब कि निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ मामा थी ऐसा ब्रांड है जो इस रेंज को लेके आया है। अगर आपको इसको निकालना पड़े ना, तो आपको इसको निकालने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, वो भी तब अगर आप जो एक इसके जो प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से करते हो। लाइक एक सर्टन हीट पे उसको आपको गर्म करना है, देन फिर ठंडा करना है, आपको सर्टन अमाउंट ऑफ इन्ग्रीडियंट्स डालने हैं, लाइक इतना टेक्निकल प्रोसेस है इसको निकालने का। इतनी पेशेंस के साथ और इतने स्टेप्स करने के बाद कहीं ना कहीं जाके आपका भृंग आमला ऑयल निकलेगा। लेकिन अगर आपको लाइक आप कहते हो कि मुझे घर पे ही निकालना है, लाइक आई वांट टू ट्राई, देन इसको घर पे निकालने की सारी रेसिपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी है, आप घर में ट्राई कर सकते हो। और अगर आप घर में ट्राई करते हो, देन हैश केशिर पाक चैलेंज लिख के मुझे टैग करके, मामाअर्थ को टैग करके स्टोरी ज़रूर अपलोड करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, देन दिस इज़ द रेंज भृंग आमला हेयर ऑयल। ये नई रेंज है मामाअर्थ की, जिसमें आपको क्या होगा कि जो आपके बाल झड़ते हैं वो झड़ने कम हो जाएंगे, जो आपके वो एक जो स्कैल्प होती है ना, उसके स्कैल्प तक अच्छी तरह न्यूट्रिशन पहुँचेगा, और जो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो फास्ट होगी, और जो आपके छोटी एज में जो हेयर्स ग्रे हो जाते हैं वो होने भी कम हो जाएंगे। और इसका एक बेनिफिट है कि जो ये इन्होंने कॉम्ब नेक दी हुई है, इससे क्या होता है कि जो हमारा ऑयल जब हम लगाते हैं ना, वो सीधा हमारी बिल्कुल स्कैल्प हेयर्स की जड़ों तक जाता है। भृंग आमला हेयर ऑयल घर में निकालना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन मामाअर्थ ने इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है। अगर आपको बाय करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 20% डिस्काउंट आपका, कूपन कोड है RISHI2020, और ये आपको Amazon, Flipkart और हमारा मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और जो 20% डिस्काउंट है वो सिर्फ मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट के ऊपर ही वैलिड है, और मामाअर्थ क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है। इनके प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, कोई भी उनमें केमिकल नहीं होता, और वी कैन प्राउडली से दिस इज मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। यूज करो, प्राउड फील करो, वोकल फॉर लोकल। अगली चीज जो मैं अपने यंगर सेल्फ को मतलब कि एडवाइस करना चाहूँगा और आपको भी बोलूँगा, वो है लर्न मेडिटेशन। मुझे अब इस एज में आके पता चल रहा है कि मेडिटेशन के कितने ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मैंने लाइक मेडिटेशन उस एज में स्टार्ट कर रही होती, तो शायद जो माइंडसेट अभी मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ, वो कब का हो चुका होता अभी। मतलब कि लाइक बहुत एक डिफरेंट स्टेज होती मेरी, जो अब स्टेज में अचीव करना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरी जर्नी क्या है मेडिटेशन की, पहले मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल गाइडेड मेडिटेशन करता था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट बी कंसिस्टेंट, बिकॉज मेडिटेशन इज़ लाइक अ स्पोर्ट। जैसे कि कोई भी स्पोर्ट में आपको माहिर बनने के लिए, हालांकि मैं माहिर नहीं हूँ, मैं बिगिनर हूँ, जैसे कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं क्या अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप्स लेता रहता हूँ, मैं बिगनर हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेडिटेशन एक स्पोर्ट की तरह है। जैसे किसी भी स्पोर्ट को माहिर करने के लिए प्रैक्टिस 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 की जरूरत होती है, वैसे ही मेडिटेशन को माहिर करने के लिए मतलब कि प्रैक्टिस 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 की जरूरत होती है। जो मेडिटेशन अब मैं सीख रहा हूं वो है YSS की मेडिटेशन। लाइक दिस इज द थिंग, लाइक ये मेरी सबसे ज्यादा मतलब कि अब प्रायोरिटीज में आती है। एंड
और ये मैंने पूरा सिस्टम मंगाया हुआ है, दिस इज़ फॉर ओम मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें मैं आजकल कर रहा हूँ। एंड ये दो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, दीज टू बुक्स आर ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ये है वेयर देयर इज़ लाइट, ये है जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, बोथ श्री श्री परमहंसा योगानंदा द्वारा हैं। ये एडवाइस मैं आपको भी देना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को शुरुआत करो, चाहे सिंपल एक गाइडेड मेडिटेशन से शुरुआत करो, उसके भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखेंगे। नेक्स्ट, छोटी एज में अपने रिलेशन में, आपके रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपका ब्रेकअप हो जाता है या कुछ ऐसा चीज़ हो जाती है, उस चीज़ को दिल पे मत लगाओ। दिल पे लगाने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आई नो कि उस वक्त मैं बिल्कुल फील कर सकता हूँ कि उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ऐसा ही होता है ना, हर जगह वही नज़र आती है, जहीं कहाँ भी चले जाओ, चाहे फैमिली में भी बैठे हो फिर भी दिमाग में वही होती है, राइट। लेकिन मेरे भाई बाद में रियलाइज़ होता है कि जो आपने वो चीज़ वो टाइम इन्वेस्ट किया, अपने खुद का माइंड ख़राब किया, वो इतना वर्थ नहीं था। तो जो आपका ये वाला एज है ना, लाइक 18 से लेके 22, 23, 24, ठीक है आपने रिलेशन बनाया है, ठीक है, वेल एंड गुड चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि सब कुछ सही चले, लेकिन भगवान ना करे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी है, प्लीज़ उस चीज़ को अपने ऊपर हैवी मत होने दो कि उस चीज़ के कारण आप अपना करियर को डिस्ट्रॉय कर लो, या फिर पेरेंट्स से आप गुस्से में होके बोल रहे हो, कुछ वर्थ नहीं है। टाइम सक्स एवरीथिंग, मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। ठीक है, रिलेशन बनाओ, उनको निभाओ भी, निभाने की कोशिश भी करो, लेकिन अपने ऊपर हावी मत होने दो, ये मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा। मैंने टाइम वेस्ट किया है, 7-8 महीने मैंने वेस्ट कर दिए थे। तो यदि वीडियो पसंद आई, लाइक माई शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो फिर, जहाँ पे मैं ये दिल वाली वीडियोस बनाता हूँ, मुझे सच में बहुत मज़ा आता है ऐसी वीडियोस बनाने में, क्योंकि इनमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं खड़ा होता हूँ और अपनी लाइफ की कहानी सुना देता हूँ।